Hello everyone. So now we are here for the second lecture of the third module of the subject structural mechanics. As in first lecture we already discussed about the basic terminology of the topic column and strut. In that lecture we already studied about the basics of the column and strut regarding the slenderness ratio and the radius of gyration. Also, we already studied about the different type of end conditions of a column for which the effective length and the radius of gyration is to be decided. Okay, now for the calculation of different type of load like crippling load or buckling load, we need to study the Euler's formula for the crippling load. So now we start from the Euler's formula that states that by the Euler's crippling load, PE is equals to pi square EI upon LE square, where E is the modulus of elasticity, which is given as MPa. I is the moment of inertia or the second moment of inertia, and is given in the form of mm to the power 4 or millimeter to the power 4. LE is the effective length of that particular member, which is given in dimension of millimeter. This equation is also known as critical buckling load. मतलब Euler's crippling load का जो formula है, उसको आप critical buckling load भी कह सकते हैं. Okay. Now from the Euler's formula for both end of the columns are hinged. जब आपके कॉलम के दोनों ही एंड अगर हिंज हैं, तो आप कैसे क्रिपलिंग लोड को कैलकुलेट करेंगे? अब जाहिर सी बात है, the bending moment at the section is given by, मान लीजिए आपका ये both end आपके pinned हैं या hinged हैं, ठीक है? ये देखिए, ये end और ये end fixed है. दोनों तरफ से आपका फोर्स जो लग रहा है दैट इज कंप्रेसिव फोर्स पी इंटेंसिटी का. ओवरऑल लेंथ जो आपकी थी वो आपकी है कैपिटल एल. अगर आप हाफ लेंथ लोगे इसकी जहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन मैक्सिमम रहेगी तो वो आप कह रहे हो एल बाई टू. ओके, अब अगर इसका एक सेक्शन आपने काटा एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग जो मोमेंट इक्वेशन आएगी दैट इज ऑल अबाउट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी अपॉन ई आई इन ब्रैकेट एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो. अब आप इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, विच इज गिवन एज वाई इज इक्वल्स टू सी वन कॉस अंडर रूट पी अपॉन ई आई एक्स प्लस सी टू साइन अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स. अब जब ये कंडीशन आपकी, ये तो जो पहली इक्वेशन आपकी लिखी हुई है दैट इज ऑल अबाउट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, एंड By the general solution, it means कि ये second order की equation है. अगर आप इसको दो बार differentiate integrate further करते हैं तो ये आपका y के term में आ जाएगी simply. General solution इसका जैसे कि मैंने आपको बताया y is equals to c1 cos under root p upon ei into x plus c2 into sin under root p upon ei into x आ जाएगा. अब ये आपका जो general solution आया है, अगर इसमें boundary conditions जो हम given है वो रखेंगे तो हमारा क्या calculate होके आ रहा है? Since when x is equals to zero, मतलब x की वैल्यू जीरो रखोगे आप तो y आपका जीरो हो जाएगा ऑलरेडी. जब आप x की वैल्यू यहाँ जीरो रखोगे तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी. उसके रिगार्डिंग आप क्या निकाल लोगे? c2 की वैल्यू, c2 आपका आ जाएगा जीरो. बट वेन x इज इक्वल टू l रखेंगे एट y इज इक्वल टू जीरो पे, देन क्या होगा? देन c2 टू साइन अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू एल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि y तो जीरो ही है. x इज इक्वल टू l उठा के आप यहाँ रखोगे, ठीक है, y आपका जीरो हो ही गया, ठीक है. तो आपका और c1 की वैल्यू क्या आ रही है, वैसे भी वो जो भी आ रही है तो उसके रिगार्डिंग ही आप c2 की वैल्यू जीरो निकाल लेंगे और c2 sin अंडर रूट p अपॉन ei into l इज इक्वल्स टू जीरो आपका आ जाएगा. तो ये हो गया आपका Euler's formula फॉर द
कॉलम व्हेन बोथ हैंड्स आर हिंज्ड, आइडियल कॉलम विद द हिंज सपोर्ट. और C1 इज इक्वल्स टू जीरो वी गेट, अगर C1 की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो रख दोगे तो आपकी साइन अंडर रूट पी अपॉन EI इनटू L इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, विच इज सेटिस्फाइड इफ अंडर रूट, मतलब साइन जीरो की साइन कोई भी है XYZ टर्म है इज इक्वल टू जीरो क्या होता है जब साइन 180 होता है. पाई की वैल्यू रख दी मतलब पी अंडर रूट पी अपॉन EI L इज इक्वल्स टू पाई हो जाए तो आपका ये निकल आएगा. इससे अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे तो पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया था यूलर किपलिंग लोड में. सिंपल सा फॉर्म है, आपको नॉर्मली ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाल ली, इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, वाई के टर्म में लाना है, बाउंड्री कंडीशन रख देनी है, सी1 सी2 की वैल्यू निकालनी है, और सी1 सी2 की वैल्यू निकालने के बाद जब आप रीअरेंज करके इसको कंपेयर करेंगे तो जो अंडर रूट पी अपॉन EI इंटू L आया है ये 180 पाई के बराबर होगा. पाई के बराबर रख दिया आपने उसको, पाई को इक्वेट किया तो आपसे यहाँ पे पी की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करके बता सकते हैं पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर. सिंपल ये आपका वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यही आपकी यूलर क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला है. अजम्पशन फॉर द यूलर्स फॉर्मूला, अब यूलर्स फॉर्मूला में कुछ हमारे अजम्पशन भी हैं. वो अजम्पशन क्या है, द मटीरियल इज इलास्टिक होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक. ये जो जितना भी इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगी या बेंडिंग होगी तो यूलर फॉर्मूला के रिगार्डिंग वो तभी होगी जब आपका मटीरियल इलास्टिक हो, आइसोट्रॉपिक हो और होमोजेनस हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. सेकेंड, द एजम्पशन स्टेट्स दैट द कॉलम इज लॉन्ग, कि कॉलम जो आपका होगा वो मस्ट है कि वो लॉन्ग कॉलम ही हो, क्योंकि कॉलम अगर आपका लॉन्ग है तभी आपका यूलर प्रिंसिपल वहां पे एप्लीकेबल होगा. थर्ड वन इज द लोड इज ट्रूली एक्सियल, इट मींस व्हेन द लोड अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल लोडिंग ओनली. अगर एक्सियल लोड है तभी आपका यूलर्स का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम. नेक्स्ट वन इज फेलियर इज ड्यू टू बकलिंग, इट मीन्स कि व्हेन वी अप्लाई एनी टाइप ऑफ लोड और एक्सियल लोड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम, व्हेन द कॉलम इज सेड टू बी लाइक बकल स्टार्ट्स, इट मीन्स कि कॉलम में अगर बकलिंग आपकी स्टार्ट होगी तो जो भी फेलियर होगा वो कॉलम में बकलिंग की वजह से होगा. नेक्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा कॉलम का वो ओवरऑल यूनिफॉर्म रहेगा हर एक पॉइंट पे. The Hooke's law is valid. It means when the stress performed in that particular column, the strain is directly proportional to that of that particular stress. This is all about the Hooke's law. It means the stress is directly proportional to the strain at the elastic limit. And the last assumption of the Euler formula states that the column is straight before application of load. कि कॉलम जो है आपका वो एकदम स्ट्रेट फॉर्म में है जब तक आपने इस पे कोई लोड नहीं लगाया है. It means कि कॉलम जो है आपका वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, जब आप लोड उसमें कुछ लगा दोगे तभी वो आपका उसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ है. ओके, सो दीज आर द 7 अजम्पशंस ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला विच स्टेट्स दैट PCR crippling load is equals to pi square EI upon LE square, but we also know that according to that radius of gyration formula I is equals to AK square, that's why P upon PACR upon A is equals to pi square E LE by K square. आपने simply इस I की जगह पे inertia की जगह पे AK square रख दिया तो आपकी जो स्ट्रेस निकल के आएगी P अपॉन ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है, क्रिपलिंग लोड लगा है तो क्रिपलिंग स्ट्रेस लिख लिया आपने, क्रिपलिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई बाई के का होल स्क्वायर, वेयर सिग्मा सी आर इज क्रिपलिंग स्ट्रेस और क्रिटिकल स्ट्रेस और स्ट्रेस एट फेलियर. सो अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला लिमिटेशन जो है यूलर्स फॉर्मूला की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज by this formula we are able to find the crippling stress or the critical stress or the stress at failure at any
स्ट्रक्चरल मेंबर. ओके, हेंस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द क्रिपलिंग स्ट्रेस इज द क्रशिंग स्ट्रेस. द करस्पॉन्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो में बी फाउंड बाय द रिलेशन सिग्मा सी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी. इट मीन्स द क्रिटिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रिपलिंग स्ट्रेस. सिग्मा सी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई बाई के स्क्वायर. एल ई बाई के क्या होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी. फॉर स्टील सिग्मा सी इज इक्वल टू 320 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2×10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल ई बाई के विच इज गिवेन एज 78.54. हेंस एल ई बाई के इज लेस देन एल ई बाई के लिमिटिंग यूलर्स फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड. अगर आपकी एल ई बाई के की वैल्यू एल ई बाई के लिमिटेड लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या है एल ई बाई के की 78.4. अगर आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो अगर लिमिटिंग वैल्यू मतलब 78.4 से कम आ रही है तो वहां पे आपका यूलर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम मेंबर. इसके बाद हमारा रैंकाइन फॉर्मूला आता है. इस पे जाने से पहले एक बार हम फिर से इसका यूलर फॉर्मूला का पूरा रिविजन करेंगे बहुत ही शॉर्ट में. जैसे कि यूलर फॉर्मूला के लिए बताया गया था कि यूलर फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला होता है पी सी आर और पी ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर. वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल इज द मोमेंट ऑफ सॉरी आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल ई इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर. यूलर फॉर्मूला को ही हम क्रिटिकल बकलिंग लोड भी कहते हैं. ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने क्या किया, बोथ एंड अगर कॉलम के हिंज्ड हैं तो उस केस में हमने एक असेंबली कुछ ऐसी तैयार की. उसके बाद उसकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आ रही d2y/dx2 प्लस p अपॉन ei इन ब्रैकेट इनटू y इज इक्वल टू 0. इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट किया. उससे हमें c1 cos अंडर रूट p अपॉन ei इनटू x प्लस c2 sin p अंडर रूट p अपॉन ei इनटू x निकाला. उसके बाद इसकी बाउंड्री कंडीशन रख दी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0 देन c2 बिकम 0 एंड आल्सो x इज इक्वल टू l एट y इज इक्वल टू 0 देन C2 sin under root P upon EI into L is equals to 0. अब अगर आप ये कह रहे हो कि C1 की वैल्यू 0 हो जा रही तो उसके रिगार्डिंग आप फिर से एक वैल्यू सारी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin under root P upon EI into L is equals to 0, which states that this will only be satisfied by when under root P upon EI into L is equals to pi. By this we can calculate the value of P which is in the form of pi square EI by L square. Now here are some basic assumptions of the Euler's formula that states that the material is elastic homogeneous, column is long, the load is truly axial, failure is due to buckling, the cross section is uniform throughout, Hooke's law valid hona chahiye, and the last one is column is straight before applying any type of load. So these are the basic assumptions and also plays an important role regarding the formation of the Euler's formula. लिमिटेशन इस यूलर फॉर्मूले की ये बताएगी. इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधे क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला लिखा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर एल ई स्क्वायर. बट वी ऑल्सो नो दैट रेडियस ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर. तो यहाँ के आई को आपने ए के स्क्वायर से चेंज किया. पी अपॉन ए इधर ले आया आप, पी अपॉन ए क्या होता है आपका सिग्मा, और अगर सी आर यहाँ लिखा हुआ है तो आपको सिग्मा सी आर मिल जाएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई बाई के का होल स्क्वायर विच इज नोन एज द क्रिपलिंग स्ट्रेस और critical stress or stress at failure. But when we equate this crippling stress to the limiting value of that crushing value, then sigma cr is equal to sigma c, and sigma c is also known as pi square e upon le by k square. Because sigma cr ki value aapne kya rakhi hai is formula se, pi square e upon le by k square. So sigma cr ki jagah pe aapne rakh diya pi square e le by k square. By this we can say that L E by K जो कि आपका स्लेंडरनेस रेशियो भी होता है उसके रिगार्डिंग आपने L E by K की वैल्यू सॉल्व करी सिग्मा सी और E की वैल्यू रखने के बाद तो आपका आ गया 78.4 L E by K लिमिटेशन वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू.
So by this we can say that when the value of Le by k is less than Le by k limiting value, then the Euler's formula is not valid for that particular member. Okay. इसके बाद हमारा रंकाइन फॉर्मूला आता है, उसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. So now we are talking about the Rankine formula. We know that Euler's formula for calculating crippling load is valid only for long column. As we discussed, when the value of Le by k is 78.4 something, अगर उससे कम आ रही है Le by k की value, तो आपका Euler formula valid नहीं हो पा रहा. As we all know कि जब Le by k को आप slenderness ratio भी बोलते हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है कि जब वो 78. something से कम है तो Euler formula valid नहीं है, और 78 से कम है और 50 से ज्यादा, इट मींस वो लॉन्ग कॉलम का केस है. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यूलर्स फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है खाली लॉन्ग कॉलम के लिए, बट द रियल प्रॉब्लम अराइजेस फॉर इंटरमीडिएट कॉलम व्हिच फेल्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बकलिंग एंड डायरेक्ट रिसेसेस. की मेन प्रॉब्लम तब आती है जब कॉलम में बकलिंग और डायरेक्ट रिसेसेस दोनों तरह के फिनोमेना परफॉर्म हो रहे हैं, तो कॉलम आपका फेल करने लगता है, तब आप क्या करेंगे. सो द रैंकाइन सजेस्ट द एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हिच इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम. The Rankine formula is given by 1 upon PR is equals to 1 upon PC plus 1 upon PE. As we know that PR is the crippling load by Rankine's formula, PC is the crushing load is equals to P is equals to sigma C into A, and PE is the buckling load, PE is equals to pi square EI by LA square. PE तो आप वहीं से ले लेंगे आप Euler's formula से. PC जो crushing load है वो आपका हो जाएगा sigma C into A, और PR आपका क्या है, crippling load by the Rankine formula. Okay. So basically, according to that Rankine formula, 1 upon PR is equal to 1 upon PC plus 1 upon P. आपने क्या किया, LCM ले लिया, तो PC into P यहाँ आ गया, P इधर आ गया, PC इधर आ गया. 1 upon PR is equal to PC plus P whole divided by PC into P. यहाँ से आप PR की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, PC into P upon PC plus P. ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में PE से डिवाइड कर दिया. PE से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा PC, सिंपल PE से PE कैंसिल हो जाएगा, PC प्लस PE में ये 1 हो जाएगा और ये डिवाइड बाय PE हो जाएगा, तो आपका सिंपली फॉर्म में आ जाएगा PR इज इक्वल टू PC अपॉन 1 प्लस PC अपॉन PE. एज वी ऑल नो दैट PC इज इक्वल टू सिग्मा C इनटू A एंड PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर. सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन वी कैन से दैट PR is equals to sigma C into A upon 1 plus sigma C into A divided by pi square EI by LE square. Simple. उसके बाद आपने क्या किया, EI की जगह आपने AK square लिख लिया उसके next term में. ठीक है, उसके बाद आपने LE square को आप ऊपर ले गए हो. ठीक है, और simplify करके हमने PR का formula निकाला, PR is equals to sigma C into A upon 1 plus small a अपॉन एल ई वाई के स्क्वायर. ये जो स्मॉल ए है इसको चेंज किया है यहाँ पे सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई से. ओके, सो ये बेसिक सिंपल डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको इजीली समझा जा सकता है. ठीक है, नाउ पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू लेमडा स्क्वायर, वेर अगर आप लेमडा की बात करें तो ये एल ई वाई के आपका लेमडा हो गया, तो PR is equal to sigma C upon A upon 1 plus A into lambda square. यही equation यहाँ लिखी हुई है. LE by K को आप slenderness ratio बोलते हैं, और A is the Rankine constant हो गया, जिसकी value है sigma C upon pi square EI. So this is the basic of that particular Rankine formula. Okay.
So basically, in this lecture, we studied about the Euler's formula for the crippling load of that particular column. And then we studied about the how this Euler's formula performed or derived by the end conditions of that particular column. There is only a performance of a column which have both end hinged. By this, we can calculate the formula of Euler's phenomena. And then we can see that there are some assumptions are performed here. Also, limitation by the limitations of the Euler formula, we can see that the limiting value of Le by k or the slenderness ratio is performed here. But this Euler's formula is only applicable for the long column. That's why a new formula is performed here. That is all about the Rankine's formula, which is gives the empirical formula for the same. And we can see that here PR, PC and PE three terms are performed, where PR is the crippling load by the Rankine formula, PC is the crushing load and PE is the buckling load, which is given as pi square EI by LE square. And the crushing load is given as sigma C into A. By the solution of this and putting these value of PC and PE in this equation, we can calculate the Rankine's formula in the derived form, which is in the form of PR is equal to sigma C upon A 1 plus A into lambda square. Lambda is equals to also is Le by K, which is known as the slenderness ratio, is performed here. And A is the Rankine's constant, which is given as sigma C is equals to sigma C upon pi square EI. And lambda is equals to slenderness ratio, which is known as Le by K. So basically for this lecture, I think that is enough. In this lecture, we studied a lot of formulas here. In our next lecture, we will discuss about the numerical problems about the Rankine's and the Euler's formula. So for this lecture, that is enough. Thank you. Thank you so much.